सुकुमार सेन इंडिया का पहला जर्नल इलेक्शन जो है वो 1951 टू 1952 के बीच में हुआ था जिसमें 17.3 करोड़ रजिस्टर वोटर्स थे जिन्होंने वोट दिया था इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन से लेके 2019 के जनरल इलेक्शन तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जैसे आर्टिकल 326 ट्वेंटी सिक्स अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी यही आर्टिकल है जो राइट टू वोट जो है हमें देता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है 2019 में सेवनटीन जर्नल इलेक्शन में दुनिया के सबसे ज्यादा वोटर्स 90 करोड़ रजिस्टर वोटर्स थे जर्नल इलेक्शंस कौन से हुए लोकसभा के इलेक्शंस जो हमारी पंचायत म्युनसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं वो कौन करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है ना कि इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन दो अलग अलग डिफरेंट और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ पार्लियामेंट स्टेट असेंबली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनके जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट करवाती हैं। अब इलेक्शन कमीशन के कम्पोजिशन को देखते हैं तो हमारा इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट करता है एक चीफ मिनिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे चेयरमैन भी कहते हैं और दो इलेक्शन कमिश्नर इन तीनों को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन तीनों की पावर्स जो है वो इक्वल होती हैं तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है वो वोटिंग के थ्रू मेजोरिटी से सॉल्व होता है और इन तीनों को की जो सैलरी है या बेसिक अलाउंसेज हैं वो इक्वल होते हैं और वो सिमिलर होती है एक सुप्रीम कोर्ट के जज से इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है सिक्स इयर्स या फिर सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑफ एज 1950 टू 1989 तक हमारा जो इलेक्शन कमीशन था वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था सिर्फ एक ही मेंबर था और uh, 1989 के बाद जो हमारा वोटिंग uh, राइट right था मीन्स जो एज लिमिट थी वो 21 इयर्स थी उससे पहले बट उसके बाद उसे रिड्यूस करके 18 इयर्स कर दी थी ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था अब एज रिड्यूस की थी मतलब वोटर्स बढ़ गए थे और काम भी बढ़ गया था इसलिए इस सिंगल मेंबर बॉडी को बना दिया गया एक मल्टी मेंबर बॉडी तो 1989 को इलेक्शन कमीशन जो है एक मल्टी मेंबर बॉडी इसे बना दिया गया डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें सुपरवाइज कैसे कौन करता है उन्हें सुपरवाइज करती है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर स्टेट और यूटी में जो होते हैं उन्हें सुपरवाइज करते हैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर और पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें सुपरवाइज करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स तो ये था इलेक्शन कमीशन के बारे में अब आगे हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कैंपेन पहले हमने ये देखा था कि कैंडिडेट रेडी है इलेक्शन लड़ने के लिए और उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भी फिल कर दिया है अब नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर दिया जब नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर दिया खुद को नॉमिनेट कर दिया तो ये आ, मतलब उनको पता है कि वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं अब उन्हें क्या करना पड़ता है लोगों को बताना होगा कि वो मीन्स जनता को बताना होगा कि जनता जो है वो उन्हें वोट दे जनता ही कौन है वोटर्स है तो वोटर्स को बताने के लिए अब आप क्या करेंगे कि आप एक कैंपियन करेंगे मींस प्रचार प्रसार करेंगे अपना तो ये जो प्रचार प्रसार होता है जब आ, कैंडिडेट लोगों को बताता है कि वो इलेक्शन लड़ने वाला है आ, वो अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं मींस वो आगे क्या करेंगे कैसे करेंगे सारी चीजें बताते हैं तो वो इलेक्शन कैंपेन का पार्ट होता है इलेक्शन कैंपेन के थ्रू सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने प्रस्पेक्टिव को पब्लिक के सामने रखती है लोग जो है वो वोटर्स होते हैं वोटर्स ये डिसाइड करते हैं कि किसकी पॉलिसी बेटर होती है कौन अच्छे प्रोग्राम्स लाने वाले हैं कौन सी गवर्नमेंट सही तरह से रूल करेगी तो वोटर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं उन्हें ये पता लग जाता है कि कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट जो है किस पार्टी ने कौन से कैंडिडेट को टिकट दी है तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन हो जाता है कि इलेक्शन में Uh, कौन एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है क्या अब उनकी पॉलिसी सही है या नहीं ये सारी चीजें इलेक्शन कैंपेन के थ्रू क्लियर हो जाती है हमारी कंट्री में इलेक्शन कैंपेन दो हफ्तों के लिए होता है ये दो हफ्ते कब आते हैं क्या होता है आज अगर लिस्ट अनाउंस कर दी गई है कि किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट जो है उसे टिकट मिली है कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी से कॉन्टेस्ट करने वाला है इलेक्शन उसके बाद से पोलिंग के दिन से पहले दिन तक प्रचार जो है कैंडिडेट कर सकते हैं लोगों के बीच जाके अपने बारे में अपनी पार्टी के बारे में बता सकते हैं अपने प्लान्स पॉलिसीज बता सकते हैं इस इलेक्शन कैंपेन में जो कैंडिडेट होता है जो नॉमिनेट हुआ है वो कैंडिडेट उसे वो क्या करता है इलेक्शन कैंपेन में कैंडिडेट घर घर जाते हैं वोटर्स से मिलने और वोट मांगते हैं कैंडिडेट्स अपने अपने वोटर्स से मिलते हैं उन्हें परसुएट करते हैं कि प्लीज वोट कीजिए इस तरह से वो कैंडिडेट्स से मिलने उनके घर घर जाते हैं इलेक्शन मीटिंग्स होती है आपने देखा होगा कि जगह जगह पर टेंट्स लगा दिए जाते हैं माइक्स होती है लीडर्स अपने विचार प्रस्तुत करते हैं मंच से तो इस तरह से इलेक्शन मीटिंग्स होती हैं लीडर्स जो है वो लोगों को एड्रेस करते हैं मान लो आप किसी पार्टी के सपोर्टर हैं किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप इलेक्शन के टाइम पे आप लीडर के साथ जगह जगह घूमेंगे वोट दिलाने के की कोशिश करेंगे उन्हें सपोर्ट दिलाने की कोशिश करेंगे तो ये सारी चीजें कब होती है इलेक्शन कैंपेन में कैंडिडेट जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाला होता है वो इन सारी चीजों को करते हैं ताकि वो लोगों से जो है इंटरेक्ट करे उनसे अपने लिए वोट्स जो है वो मांग सके पुराने समय से हमारे देश में अगर इतिहास देखा जाए तो हिस्टोरिकली हम क्या देखते हैं क्या देखते आ रहे हैं कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ ने पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स ने अलग अलग स्लोगन्स दिए हैं बहुत बड़े इश्यूज जो रहते हैं कंट्री में उन इश्यूज को एड्रेस करके अपने इलेक्शन प्रोपोगंडा में स्लोगन्स नारों का यूज़ किया है स्लोगन्स की मदद से क्या करने की कोशिश की अपनी पॉलिसीज अपने प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है अब हम कुछ स्लोगन्स के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इंदिरा गांधी का कहना था कि अगर हमारी पार्टी पॉवर में आएगी 1971 में जो कि आई भी थी तो हम क्या करेंगे देश से गरीबी हटाएंगे गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज को रीओरिएंट करेंगे और रीओरिएंट करने के बाद में पॉवर्टी रिडक्शन के टॉट्स क्या करेंगी काम करेंगी तो ये उनका स्लोगन था पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जो उन्होंने तब दिया था सेकंड सेव डेमोक्रेसी 1977 में जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण तो उन्होंने जो है सेव डेमोक्रेसी स्लोगन दिया था क्यों उन्होंने अपने इलेक्शन प्रोपोगेंडा में सेव डेमोक्रेसी वाले स्लोगन का इस्तेमाल क्यों किया होगा तो उस समय उसके पीछे कुछ कारण था क्या उस समय 1977 के टाइम पीरियड से पहले या उसके आसपास इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी इम्पोज कर दी थी कंट्री में डेमोक्रेसी रूइंस में थी तो डेमोक्रेसी खतरे में थी तो जय प्रकाश नारायण ने ये स्लोगन दिया उन्होंने बताया कि अभी डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत है लोकतंत्र खतरे में है तो 1977 में उन्होंने अपने इलेक्शन प्रोपोगेंडा में सेव uh, डेमोक्रेसी के स्लोगन का यूज़ किया नेक्स्ट लैंड टू द टिलर लैंड टू द टिलर टिलर मीन्स टिलर यहाँ कौन है फार्मर किसानों को जमीन मिले जो खेती कर रहे हैं उन्हें ज़मीन मिले लेफ्ट फ्रंट पार्टी जो है वेस्ट बंगाल एरिया वाली तो उन्होंने 1977 के टाइम पीरियड में उन्होंने स्लोगन दिया लैंड टू द टिलर इसका कारण ये था कि वहां पे अधिकतर लैंड रिफॉर्म्स की बात की जाती थी जमीनें बड़े बड़े ज़मींदारों लैंड लॉन्ड्स के पास थी ज्यादा हुआ करती थी गरीबों के पास कम हुआ करती थी तो इस स्लोगन के साथ लेफ्ट फ्रंट पार्टी इलेक्शन के मैदान में उतरी थी कि अगर हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो हम लैंड रिफॉर्म्स पे काम करेंगे नेक्स्ट प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलगूज तमिलनाडु की पार्टी तेलुगु देसन पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ टी रामा राव इन 1983 में जितने जीतने के लिए इस स्लोगन का इस्तेमाल किया था कि जो तेलुगु जो लोग हैं तमिलनाडु में उनके राइट के प्रोटेक्शन के लिए लड़ेंगे तो उस टाइम उन्होंने इस स्लोगन का यूज किया उसके बाद हम बात करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट देखो हमारी कंट्री पॉलिटिकल इक्वालिटी में विश्वास रखती है सबको लिबर्टी है कि हर कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है क्या कि यहाँ पे एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को या लीडर्स को अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या है इलेक्शन के टाइम पे चुनाव के दौरान लागू होने वाले जो नियम हैं जो रूल्स हैं उसे कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट कुछ बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है जब आप चुनाव का प्रचार या प्रसार करते हैं जब आप इलेक्शन कैंपेन के लिए उतरते हैं मैदान में तो उस समय ऐसा नहीं है कि आपको जो सही लगेगा आप वही करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है मतलब कुछ गाइडलाइंस जो है उन्हें फॉलो करनी पड़ती है उन गाइडलाइंस के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते बेसिकली तो बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे ब्राइबिंग ना हो रिश्वतखोरी ना हो रिलीजियस गाइडलाइंस पे आप किसी लोग किसी लोगों को भड़काएं ना ये सारी चीजें होती हैं करप्शन ना हो मारपीट ना हो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है बट कुछ बेसिक गाइडलाइंस यहाँ क्या है धर्म स्थल जो हमारे हैं जैसे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा इन जगहों का इस्तेमाल कोई भी इलेक्शन पर्पज़ के लिए नहीं कर सकता इलेक्शन कैंपेनियन के लिए नहीं कर सकता अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत है क्यों इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री और आप रिलीजियस लाइंस पे किसी को पॉलिटिकली मोटिवेट नहीं कर सकते पॉलिटिकली डाइवर्ट नहीं कर सकते तो को किसी भी धर्म स्थल का इस्तेमाल जो है पॉलिटिकल चीज़ों के लिए इलेक्शंस uh, के टाइम पे जो है यूज़ नहीं कर सकते सेकंड, गवर्नमेंट व्हीकल्स या गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट जो हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है इनको आप पर्सनल पार्टी प्रोपोगेंडा के लिए यूज़ नहीं कर सकते कोई भी पार्टी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकती है नेक्स्ट मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में है अब जैसे आगे इलेक्शंस आने वाले हैं डेट अनाउंस हो गई है डेट अनाउंस होने के बाद आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस कर देते हैं जैसे कोई सब्सिडी देने वाले हैं या कोई और प्रोजेक्ट तो आप अनाउंसमेंट किस बिहाफ पे कर रहे हैं कि आप उस देश के लीडर हैं मींस जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई अनाउंसमेंट करेंगे वो किस बिहाफ पे अनाउंसमेंट करेंगे क्यों क्योंकि वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास वो पावर है उस पावर का यूज करके कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं लेकिन वो पब्लिक इमेज जाती है कि वो आपकी पार्टी ने काम किया है तो आने वाले इलेक्शन में उसे इस चीज का फायदा हो सकता है उस पार्टी को इस चीज का फायदा हो सकता है उनको इस चीज के लिए क्या किया गया है कोड ऑफ कंडक्ट में एक प्रोविजन है कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद आप किसी भी बड़ी मेजर पॉलिसी या इलेक्शन के आसपास आप कोई भी बड़े इम्प्लीमेंट या अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हो वो एक तरह से एक ऐसी चांसिस जो है बना देगी कि वो पार्टी को फेवर करेगी और हमें यहाँ किसी पार्टी को फेवर नहीं करना है तो गवर्नमेंट कोई भी बड़े फाउंडेशन का प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट इलेक्शन के आसपास इलेक्शन के दौरान नहीं कर सकती है तो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे कुछ रूल्स थे जो इलेक्शन के दौरान जो है पॉलिटिकल uh, लीडर्स को या पॉलिटिकल पार्टीज को जो है फॉलो करने पड़ते हैं